जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। प्यारे साथियों, 1 तारीख से यानी 1 जुलाई से सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्जाम शुरू होने वाला है। तो प्यारे साथियों, मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि अपनी सीरीज से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। यदि आप किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएससी, एमटीएस या फिर दिल्ली पुलिस, अन्य किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो भी ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास में हम लोग 64वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 63 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो बाकी को पार्ट देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक वर्ग के परिमाप का आधा 500 सेंटीमीटर है, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। प्यारे साथियों, वर्ग के परिमाप का आधा दिया 50 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, पूरा परिमाप बना लेंगे। तो परिमाप क्या होता है, आधा दिया 50 तो पूरा कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, 4a बराबर, इसका मान हमें मिला 100, यहां से हम a का मान लाएंगे तो 100 गुणे का 4 इधर भाग में आ जाएगा, 4 से 100 को काटेंगे तो 25, ये 25 की आ जाएगी, a का मान आ जाएगा, और a जो होगी इस वर्ग की भुजा होगी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक फल विक्रेता के पास आरंभ में m किलोग्राम सेब थे, इनमें से 56% सेब एक ग्राहक को बेचने के बाद भी उसके पास 110 किलोग्राम सेब शेष बच जाते हैं, एम का मान क्या होगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रारंभ में एम सेब थे और ये एम का मान शुरू में 100% था, 56% उसने क्या करा, बेच दिया, और 56% यदि बेच देगा तो प्रतिशत में उसके पास कितना शेष बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचा, 9 में से 5 गया 4, यानी 44% सेब और उसके पास शेष बचेंगे, और इस 44% का मान क्वेश्चन में बताया 110। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1% का मान लाएंगे 110 में 44 का भाग देकर। अब क्या करो, 100% का वैल्यू लेकर आ जाओ, जिससे हमारे पास m का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि m आरंभ में 100% था। तो जो 1% का मान आया 110/44, इसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 100% का वैल्यू आ जाएगा। 11 से 10 बार में 110 कटेगा और 11 चुकू होता है 44, 4 से अपन 100 को काटेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का गुणा 10 से करेंगे तो 25 दाम 250, यानी आरंभ में उसके पास 250 सेब थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया 100 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे, और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2, याद रखिएगा, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणा में उनके बीच की दूरी, ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल की जगह हमें लिखना होगा 100, 1/2, और समांतर भुजाओं का योग अपने को पता करना है, यानी a प्लस बी, दो समांतर भुजाएं होती है, दोनों का योग बताना है क्वेश्चन में, गुणा उनके बीच की दूरी क्वेश्चन में बताया 10 सेंटीमीटर, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार कटेगा, और a प्लस बी का वैल्यू लाने के लिए गुणा का 5 इधर, 100 के साइड आएगा तो बटे में 5 आ जाएगा, 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10 और 0, यानी कि यहाँ पर हमारे पास दोनों भुजाओं का जो योग बनेगा वो बनेगा 20 सेंटीमीटर, 20 ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर चार की यदि बात की जाए, एक कप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, कप बेचते समय अधिकतम कितनी छूट दी जानी जा सकती है ताकि सौदे में कोई हानि ना हो। और प्यारे साथियों यहाँ पर क्या दिया है, अंकित मूल्य की बात की जा रही है, उसके क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। तो पहले आप मान लो कि उसका क्रय मूल्य जो था अपने आप में 100 रुपए था, ऐसा समझो। और अंकित मूल्य की ये बात कर रहा है कि जो अंकित मूल्य था 20% ज्यादा रहेगा तो अंकित मूल्य 120 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी जाए ताकि सौदे में उसे ना तो लाभ हो ना हानि। तो यदि लाभ भी ना हो हानि भी ना हो इस सौदे में, तो इस सौदे का विक्रय मूल्य भी 100 रुपए होना चाहिए, क्योंकि जितने में खरीदा अगर उतने में बेच देंगे तो ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। अब छूट किस पे दी जाएगी, अंकित मूल्य पर, और 100 में बेचना है पुनः, तो छूट कितने की देना पड़ेगी, 20 यूनिट की छूट देना पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में बताना है छूट का प्रतिशत, डिस्काउंट परसेंट बताना है, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट बटा एमआरपी यानी अंकित मूल्य, क्योंकि छूट अंकित मूल्य पर दी जा रही है, और गुणा में 100 करेंगे जिससे प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 0 से 0 कटेगा, 2 छंग 12, 2 3 6, और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50, 50 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 10 फिर से 6 बार जाएगा, 16.6% की यहाँ पर छूट देना होगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 55,000 रुपये का निवेश चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए करता है एक व्यक्ति। पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 8% रहेगी और दूसरे वर्ष के लिए 12% वार्षिक है, और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। उस व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ब्याज कितना होगा? तो प्यारे साथियों जब कभी आपको मूलधन क्वेश्चन में दिया जाए, हमें मूलधन दिया है 55,000 रुपये मूलधन दिया है, और पहले वर्ष जो दर रहेगी वो 8% रहेगी और दूसरे वर्ष दर जो रहेगी 12% रहेगी। ऐसे में आप डायरेक्ट मिश्रधन निकाल लो, और मिश्रधन कैसे निकालेंगे, ये जो मूलधन था 55,000 अपने आप में 100% था और इस पर ये 8% ब्याज लगेगा, तो मिश्रधन कितना बनेगा, 108% निकालो डायरेक्ट। फिर इस पर 12% ब्याज लगकर ये अपने आप में 1 साल के बाद 100% हो जाएगा, और 12% इस पे ब्याज लगेगा तो इसका डायरेक्ट 112% हम निकालेंगे। यहाँ पर ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट हो जाएगा। आप इन सब का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास मिश्रधन निकल कर आएगा 66,528, ये मिश्रधन आया। अब हमें क्या लाना है, ब्याज लाना है। तो मिश्रधन का मतलब ये होता है कि मूलधन प्लस ब्याज दोनों आपके पास आ गए। अब इस मिश्रधन में से यदि हम मूलधन को माइनस कर देंगे, यानी 66,528 में से मूलधन 55,000 को हम माइनस कर देंगे, तो ब्याज हमारे पास 2 सालों का बच जाएगा। 8 में से 0 जाएगा, 8 बचेगा, और एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 8 है, पहला वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 55 सेंटीमीटर है। यदि इस बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 15 सेंटीमीटर अधिक है तो इस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पर इसकी ऊंचाई और त्रिज्या का योग क्वेश्चन में दिया, ऊंचाई h मान लेते हैं और त्रिज्या r मान लेते हैं, इन दोनों का योग दिया क्वेश्चन में 55 सेंटीमीटर, और बोला गया कि ऊंचाई अधिक है किससे, त्रिज्या से, इन दोनों का अंतर भी दिया 15 सेंटीमीटर। आप इस इक्वेशन को सोल्व करके h और r का मान ला सकते हो, ये प्लस माइनस कटेगा, यहाँ पर 2h बनेगा, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे 55 में 15 जोड़ेंगे तो हमारे पास 70 हो जाएगा। तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 70 गुणे का 2 इधर भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 35 बार कट हो जाएगा, तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर इस बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। अब हमें लाना है इसकी त्रिज्या, तो ऊंचाई और त्रिज्या का योग 55 था जिसमें ऊंचाई कितनी हमारे पास 35 है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्या करेंगे हम, 55 में से यदि 35 को घटाएंगे तो त्रिज्या का वैल्यू बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0 और 5 में से 3 गया 2,
यानी 20 इसकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। अब क्या करना होगा हमें, यहाँ पर क्वेश्चन में वक्र पृष्ठ बताना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है बेलन का, याद रखिएगा 2πRh होता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पर लिखेंगे 2π का मान 22/7 और गुणा त्रिज्या की जगह हमें 20 लिखना होगा, और ऊंचाई की जगह हमें यहाँ पर ऊंचाई मिल चुकी है 35। सिंपली क्या करेंगे, 7 से 35 को काटेंगे, 7 5 35, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 22 2 44 और 44 2 88, 880 गुणा 5 कर लेंगे तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा 0 0, 5 8 40 की 0 कैरी 4, 5 8 40 और 4 44, 4400 वर्ग सेंटीमीटर इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, F1 और F2 द्वारा अर्जित औसत अंक, F2 और F3 द्वारा अर्जित औसत अंक से 40 अधिक है। यदि F3 द्वारा अर्जित अंक 90 हैं तो F1 द्वारा अर्जित अंक कितने, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बोला गया कि F1 और F2 द्वारा जो औसत प्राप्त हुआ तो हम क्या करेंगे, F1 प्लस F2 दोनों का योग में यदि आंकड़ों की संख्या 2 का भाग लगाएंगे तो दोनों का औसत आ जाएगा। आगे बोला गया कि F2 और उसके बाद F3 का जो औसत रहेगा तो ये भी कैसे निकालेंगे, इनमें भी 2 का भाग देंगे, तो ये जो पहले वाला औसत है ये बाद वाले औसत से अधिक है, और दोनों का अंतर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 40 का डिफरेंस है। अब सिंपली यहाँ पर 2 इन दोनों का लघुत्तम होगा, 2 का लघुत्तम 2 ही होगा, और यहाँ पर ऊपर भाग लगाएंगे ये का यही आएगा, यानी F1 प्लस F2 और माइनस की जगह माइनस लिखेंगे और उसके बाद F2 प्लस F3 को ऐसा ही लिखेंगे और बराबर में कितना हो जाएगा 40। सिंपली क्या करेंगे, F1 प्लस F2 और ये माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस का F2 माइनस का F3 और बराबर में भाग का 2 इधर गुणे में चला जाएगा 40 के, तो 40 2 80 यहाँ पर आएगा, ये प्लस का F2 और माइनस का F2 कट हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास F1 माइनस F3 बचेगा और इसका मान हमारे पास 80 आया। अब हमें क्वेश्चन में F3 का वैल्यू 90 दिया गया, तो F1 माइनस F3 की जगह हमें 90 को पुट करना होगा और बराबर में 80 हो जाएगा। अब F1 का वैल्यू क्वेश्चन में पूछा गया तो माइनस का 80 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 90 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 90 करेंगे और F1 का मान लाने के लिए 9 8 हो जाएगा 17, यानी 170। और क्वेश्चन में F1 का वैल्यू पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मीना ने इंग्लैंड के विरुद्ध 32 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 303 रन बनाए, दौड़कर बनाए गए रनों की संख्या कुल रनों की लगभग कितने प्रतिशत हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन में बोला गया कि 32 चौके लगाए उसने, एक चौका 4 रनों का था तो 32 चौकों में कितने रन बनाए टोटल हम यहाँ पर निकालेंगे, 4 गुणा 32, 4 2 8 हो जाएगा और 4 3 12, 128 रन उसने चौकों की मदद से बनाए और 4 छक्के लगाए, एक छक्का 6 रन का होता है और 4 छक्के लगाएगा तो टोटल रन 24 वो छक्के से बनाएगा, तो चौके छक्के की मदद से टोटल रन कितने बने इनको जोड़ लेंगे, 8 4 12 के 2 कैरी 1, 2 2 4 1 5 और यहाँ पर 152 रन जो बने टोटल ये चौकों और छक्कों की मदद से बने। क्वेश्चन में बोला गया कि टोटल रन 303 थे, इनमें से चौके छक्के वाले रन अगर घटा देंगे तो दौड़कर बनाए गए रन हमारे पास बच जाएंगे, तो 303 में से क्या करेंगे हम 152 को घटा लेंगे, तो यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5 और ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 151 रन उसने क्या करा यहाँ पर दौड़कर बनाए। अब क्वेश्चन ने बोला गया कि दौड़कर बनाए गए रनों को प्रतिशत में बताओ, लगभग वो टोटल रनों का कितना प्रतिशत बनेगा, तो 151 को प्रतिशत में बदलना है और टोटल रनों के साथ बदलना है तो बटे में टोटल रन आएंगे और 100 का गुणा करने पर ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली आप इसको जब सॉल्व करोगे तो फाइनली इसका उत्तर आपको मिलेगा
49.83%। तो प्यारे साथियों, आप घर पर आराम से कैलकुलेशन कर लेना आराम से, 49.83% ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 और लघुत्तम समापवर्तक 840 है, यदि उन दोनों संख्याओं का अनुपात 3:8 है तो दोनों में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का रेशो बताया, एक संख्या 3x मान लेंगे, दूसरी संख्या 8x मान लेंगे। और लघुत्तम महत्तम का एक कंसेप्ट हम लोग जानते हैं कि यदि एलसीएम एचसीएफ में होता क्या है कि यदि हम पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करें तो ये बराबर हो जाता है लघुत्तम गुणा महत्तम के। सिंपली पहली संख्या की जगह 3x को लिखा और दूसरी संख्या की जगह 8x बराबर। लघुत्तम क्वेश्चन में दिया है 840 गुणा महत्तम की जगह पुट करेंगे 35 को। यहाँ पर क्या करेंगे, x का गुणा x से होगा, x स्क्वायर बनेगा 840 गुणा 35, और ये जो गुणे में 3 और 8 दिखाई दे रहा भाग में आ जाएगा। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, 35 है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा 8 से काटेंगे इधर, तो 8 का 8 0, 8 5 40, और 3 का भाग 105 में देंगे तो 3 3 9 और 1 बचेगा, 3 5 15। इस प्रकार x की पावर 2 बराबर 35 गुणा 35 हमारे पास बनेगा। x का मान लाने के लिए ये वर्ग हटेगा तो 35 गुणा 35 पे वर्गमूल लग जाएगा, और ये वर्गमूल भी हटेगा तो 1/35 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान 35 आया। क्वेश्चन में पूछा गया कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या वो होगी जो रेशो छोटा है। 3x हमने छोटी संख्या माना था, तो 3 गुणा x का मान 35 आया। 3 का गुणा 35 से करेंगे, 3 5 15 कैरी 1, 3 3 9 और 1 10, 105। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिया और जॉर्ज अपने अपने घरों से एक दूसरे की ओर क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि उनके घरों के बीच की दूरी 28 किलोमीटर है, वे कितने समय बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में चल रहे हैं, और पहले की चाल बताइए 6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब दो चालें एक दूसरे के अपोजिट हो तो हमें समांतर चाल बनाना है, मतलब दोनों के यहाँ पर चालें जुड़ जाएंगी तो 6 में 8 जुड़ेगा तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हम कहते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल यहाँ पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगी। अब अपने को क्या लाना है, यहाँ पर समय लाना है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल करने से समय आता है। दूरी क्वेश्चन में बताइए 28 और चाल हमारे पास सापेक्ष वाली बनी 14। 14 का भाग देंगे, 14 दूनी 28, यानी कि 2 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के अंदर इन्हीं प्रश्नों के कंसेप्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।